आने वाले कल में हिंदुस्तान में कवि सम्मेलनों में गीत का एक स्टार पैदा हो रहा है जिसका नाम स्वयं श्रीवास्तव है। लेकिन मैंने इसको स्वयं को पहली बार बुलाया और हम एक कार्यक्रम करते हैं अपने स्टूडियो में युवाज, जहां नए लड़के लड़कियों को अवसर देते हैं, वहां मैंने पहली बार इसे सुना और मैंने उसी दिन कहा कि समय आएगा, बीच में कोरोना आ गया और ये काम जो संकल्प में था मेरे कि कभी मैं इसे एक अच्छे मंच पर प्रस्तुत करूंगा और अच्छे से लोग सुनेंगे, उसको तो मैं आशीर्वाद देता ही हूं। मैं अपने कवि कुल की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस अनगढ़ हीरे को पहचाना। एक छोटी सी आपको किस्सा सुनाता हूं। बनारस पहले से ज्ञान का बड़ा केंद्र रहा है। मध्य भारत के एक नगर विदिशा के एक सेठ जी ने अपने बेटे को व्यापार पढ़ने के लिए बनारस भेजा। उस बच्चे का एक दोस्त था पंडित जी का लड़का। जब वो बच्चा जाने लगा, जवान लड़का पढ़ने के लिए जा रहा था, तो पंडित जी का लड़का बोला, यार मैं भी तेरे साथ चलूं क्या? उसने कहा, ये तो बहुत अच्छा है, मैं अपने पिताजी से कह दूंगा एक घोड़ा और दे दे, तू मेरे साथ चलना। पर तू करेगा क्या? उसने कहा, यार बनारस है, ज्ञान की जगह है, कविता की जगह है, साहित्य की जगह है, कुछ ना कुछ कर लूंगा। दोनों बच्चे एक महीना घोड़े पर चलकर विदिशा से बनारस पहुंचे। दो साल तक सेठ जी का लड़का एक बड़े उद्योगपति के यहां बैठकर व्यापार सीखने लगा। और वह जो कवि का लड़का था, पंडित का लड़का था, वो बनारस की गलियों में घूमता, कविताएं लिखता, गीत सुनाता, अपने खाने के लिए कुछ ले लेता। दो साल तक यही चला। जब शिक्षा पूरी हो गई और दोनों बच्चे घर लौटने लगे, तो रात के समय जब घोड़े की पीठ पर ऊंग रहे थे दोनों और घोड़े चल रहे थे, नींद में थे, रात्रि में अंधकार था और जंगलों में से घोड़े अपना रास्ता तलाश रहे थे, अचानक सेठ जी के लड़के ने कहा पंडित के लड़के से कि गाड़ी, घोड़ा रोक, घोड़ा रोक, कोई आवाज आई है। पंडित का लड़का बोला, यार तू तो सो रहा था, मैं जागा हुआ था, मैं कविताएं लिख रहा था, मुझे तो कोई आवाज नहीं आई। सेठ जी के लड़के ने कहा, नहीं नहीं आवाज आई है, सोने की आवाज आई है, कहीं सिक्के की आवाज आई है। दोनों ने एक मशाल जलाई, ढूंढा, पीछे गए और देखा कि सूखे पत्तों के ढेर के नीचे एक सोने का सिक्का पड़ा हुआ था। सेठ जी के लड़के ने कहा, देख मैंने तुझे कहा था ना, ये सोने का सिक्का तेरे घोड़े की टाप से टकराया था, मुझे इसकी नींद में आवाज आई। कहा, यार गजब है, मैं तो जगा हुआ था, मुझे आवाज नहीं आई। खैर वो सोने का सिक्का उठा लिया, दोनों चलने लगे। दो एक घंटे बाद पंडित जी का लड़का सो गया और सेठ जी का लड़का जाग गया। अचानक पंडित जी का लड़का नींद से चीखा, बोले घोड़े रोक, कोई आवाज आई, कोई आवाज आई। सेठ जी के लड़के ने कहा, तुझे तो जगे में आवाज नहीं आती, नींद में कहां से आ गई, तुझे तो सोने के सिक्के की नहीं आई थी। उसने कहा, नहीं आसपास कुछ है, आवाज आई। दोनों उतरे, ध्यान से देखा तो देखा कि पेड़ों के बीच में मकड़ी के जालों में एक तितली फंसी हुई। पंडित जी के लड़के ने उस तितली को निकाला और उड़ा दिया। उसने कहा, यार तू नींद में था फिर भी तुझे कैसे आवाज आई? बोले, तूने व्यापार सीखा और मैंने प्यार सीखा, इसका यही अंतर है, तुझे सिक्के की आवाज आती है, मुझे तितली की आवाज। बहुत सारे लोग इस दुनिया में केवल सिक्के की आवाज सुनते हैं और बहुत सारे लोग किसी जाले में फंसी हुई तितली के परों की फड़फड़ाहट सुनते हैं। वो सौभाग्यशाली हैं ईश्वर ने जिन्हें ऐसे कान दिए हैं जो ऐसी तितलियों के परों की पंखों की सरसराहट सुन सके। उनसे ज्यादा सौभाग्यशाली वो लोग हैं जो उस तितली की उस परेशानी को महसूस करके उस पर कविता लिख सके, और उनसे ज्यादा सौभाग्यशाली वो लोग हैं जो ऐसे कवि को सुन सके। आप सौभाग्यशाली हैं कि मैं आपको एक ऐसा गीतकार सुना रहा हूं जिसे आपने अगर डूब के सुन लिया तो वर्षों आप उसकी गुनगुनाहट में खोए रहेंगे। बड़ा प्यारा बच्चा है, बहुत ही शालीन, बड़ा सुंदर, और लिखता तो बहुत डूब के है और मीठा होके, और उसका स्वर भी भगवान ने उसे ऐसा दिया है। वो स्वयं में ही संपूर्ण है, इसीलिए उसकी मां ने उसका नाम स्वयं रखा है। इस मंच पर उन्नाव के पास के एक बहुत छोटे से गांव से एक लड़का आया है, लेकिन आपके अंदर का हिंदुस्तान और आपके अंदर की मोहब्बत को वो गुनगुनाहट में बदल देगा, ये मेरा दावा है। मैं स्वयं श्रीवास्तव को आमंत्रित करता हूं, आप तालियों के साथ स्वयं का स्वागत करें। जीते रहो बेटा, पढ़ो पढ़ो, जीते रहो। आहा हा, माइक ऊंचा कर ले, यहां खुद ही करना पड़ता है, आदमी नहीं है इसके लिए। आप सभी को प्रणाम करता हूं। इस कार्यक्रम की जब एक दिन जिंदगी बिल्कुल अचानक से
शांत जैसे चल रही थी और एक दिन अचानक सर का मैसेज आता है कि पासपोर्ट भेजो। और मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं था कुछ ऐसा। और फिर उसके बाद सारी चीज़ें, और उसके बाद यहाँ तक की जो यात्रा रही है, इस यात्रा के दौरान मैंने आप सबको कल्पना के आधार पर बहुत बार सोचा कि आप मेरे सामने हैं। बहुत बार मैंने प्रैक्टिस सेशंस किए कि ये बोलना है, वो बोलना है, ये ऐसे ही पढ़ेंगे, वैसे पढ़ेंगे, लेकिन इस मंच पर उपस्थित होने के बाद वो सब कुछ नहीं याद रहता। याद सिर्फ इतना रहता है कि जैसे महाभारत है, महाभारत का अर्जुन जब कुरुक्षेत्र में अपने जीवन का सबसे बड़ा युद्ध लड़ने के लिए खड़ा होता है तो उसके अंदर वो जरूर ही आत्मविश्वास नहीं होता, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि उस कन्हैया, उस अर्जुन के पीछे जो कन्हैया विराजमान होते हैं वो उसे उस युद्ध को लड़ने की जीतने की हिम्मत देते हैं। और वो कन्हैया आज डॉक्टर कुमार विश्वास जी मेरे साथ जीते रहे, जीते रहे। पढ़ो बेटा, झूम के पढ़ो, गाओ। जहां पर स्वयं त्रिभुवन के नायक भगवान श्री कृष्ण उपस्थित है वहां किसी अर्जुन को कोई पराजित नहीं कर सकता। आप सबको बहुत प्रणाम करता हूं। मेरी माँ जो इस समय देख रही होंगी मुझे, सर ने कहा कि वे देख रही होंगी, उन्होंने मेरा नाम स्वयं रखा। वे मुझे अकेले अपने शहर से बाहर भी जब भेजती हैं तो 3 बार फोन करती हैं, और उन्होंने डॉक्टर सर के साथ मुझे अपने देश से इतने दूर समंदर पार मुझे भेज दिया। मैं आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ, एक बार पुनः प्रणाम आप सबको करता हूँ और कुछ कुछ पंक्तियाँ आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ। सुनिए, स्वयं पढ़ो बेटा। पहली 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। इंडो थाई न्यूज के सभी सदस्यों ने बहुत मेहनत करी। पवन मिश्रा भैया यहाँ पर बैठे, वो फिर कुछ ना कुछ खुद ही करने गए होंगे। मैं 4 पंक्तियां आपको पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं उसमें कैसी कैसी मुश्किलें आती हैं, लेकिन तब हमारी मनस्थिति होनी क्या चाहिए। 4 पंक्तियां सुनिएगा। जिस रास्ते पे चल रहे उस पर है छल पड़े, जिस रास्ते पे चल रहे उस पर है छल पड़े, कुछ देर के लिए मेरे माथे पे बल पड़े। जिस रास्ते पे चल रहे उस पर है छल पड़े, कुछ देर के लिए मेरे माथे पे बल पड़े। हम सोचने लगे कि यार लौट चले क्या, हम सोचने लगे कि यार लौट चले क्या, फिर सोचा यार छोड़ो चल पड़े तो चल पड़े। जिंदाबाद। फिर सोचा यार, दोनों हाथ उठा के तालियां कर, वाह, तो चल पड़े। हाँ बेटा। फिर सोचा यार छोड़ो चल पड़े तो चल पड़े। लेकिन चलना जरूरी क्यों है? सबसे कंफर्टेबल तो हम अपने घरों में होते हैं। आप जिन घरों से आते हैं, इन घरों में सारी सुख सुविधाएं मौजूद होती हैं, लेकिन फिर भी हमें घर से निकलना क्यों पड़ता है? मैं 4 पंक्तियां आपके समक्ष पढ़ता हूँ, सुनिएगा। सुनिए झूम के। मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, फिर घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते। मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, फिर घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते। मजबूरियों का नाम हमने शौक रख दिया, मजबूरियों का नाम हमने शौक रख दिया, हर शौक बदलना ही पड़ा घर के वास्ते। हर शौक बदलना ही पड़ा घर के वास्ते। लेकिन बात यह है कि मुझे तो माँ सरस्वती की थोड़ी सी कृपा है कि मैं अपनी बात कह पा रहा हूँ, मैं अपनी यात्रा आपके सामने रख पा रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में संघर्ष नहीं है या आपकी कोई यात्रा नहीं है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ और आप अपना स्वर मेरे स्वर में मिलाइएगा, सुनिएगा। स्वागत है बेटा। कल भोर की चिंता में रात नींद न आनी, कल भोर की चिंता में रात नींद न आनी, रावण नहीं है मारना रोटी है कमानी। आए हाय हाय, वाह वाह। कल भोर की चिंता में रात नींद न आनी, रावण नहीं है मारना रोटी है कमानी। हम राम तो नहीं मगर ये बात भी सच है,
हम राम तो नहीं मगर ये बात भी सच है, हर आदमी की होती है एक राम कहानी। हर आदमी की होती है एक राम कहानी। राम कहानी भाई क्या पढ़ रहा है बेटा, वाह। तो सर ने कहा था कि कुछ प्रेम पे भी पढ़ देना, क्योंकि यहाँ बैंकॉक आए हो और प्रेम पे नहीं पढ़ोगे तो फिर वो खराब हो जाएगा थोड़ा सा। लेकिन सर मैं हम मध्यम वर्गीय परिवारों के लड़के जिन स्थितियों में आते हैं वहां प्रेम भी एक तरफा ही होता है। मैं एक तरफा प्रेम की चार पंक्तियां आपको सुनाता हूँ, सुनिएगा। स्वागत है बेटा। हेमंत भैया ने क्या शानदार आज मतलब बिल्कुल ओपनिंग करके ही पूरा मैच बना दिया इन्होंने। मैं चार पंक्तियां आपको सुनाता हूँ, सुनिएगा। एक तरफा प्रेम की चार पंक्तियां आप सुन लीजिए मन से, मैं आपके हृदय तक पहुंचाऊंगा। सुनिए। स्वागत है। जो याद तेरे पाव की जंजीर बनी है, वो याद मेरे हाथ की लकीर बनी है। जो याद तेरे पाव की जंजीर बनी है, वो याद मेरे हाथ की लकीर बनी है। पानी जो कहीं चांद पे ढूंढे नहीं मिला, पानी जो कहीं चांद पे ढूंढे नहीं मिला, पानी पे उसी चांद की तस्वीर बनी है। पानी पे उसी भाई क्या बात है, चांद की तस्वीर बनी अच्छा है। मैं आप मेरा नाम मुझे नहीं पता कितने दिनों से जानते, बहुत ज्यादा 15 दिन से जानते होंगे जिस कार्यक्रम का पोस्टर बना, लेकिन मैं 8 साल से कवि सम्मेलनों के मंच पर हूँ। कई बार ऐसी स्थितियां भी आई जब ये लगा कि क्या ये रास्ता छोड़ देना चाहिए, तब मेरे मन ने जो चार पंक्तियां कही वो मैं चार पंक्तियां आपको सुना देता हूँ। स्वागत है बेटा, स्वागत है। किस्मत में कोई रंग क्या धानी भी लिखा है, हाय हाय। किस्मत में कोई रंग क्या धानी भी लिखा है, बस हर्फ ही लिखे हैं कि मानी भी लिखा है। किस्मत में कोई रंग क्या धानी भी लिखा है, बस हर्फ ही लिखे हैं कि मानी भी लिखा है। सूखी जुबान जिंदगी से पूछने लगी, सूखी जुबान जिंदगी से पूछने लगी, बस प्यास ही लिखी है कि पानी भी लिखा। वाह भाई वाह, बहुत 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 आभार, बहुत आभार। लेकिन जुबान जिंदगी से पूछे, वाह बेटा जियो। यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं बैठी हैं, मैं कुछ और ढंग की आपको पंक्तियां आपको सुनाता हूँ, सुनिएगा। दोबारा के लिए इस मुक्तक के लिए दोबारा की आवाज आ रही है। सर, हाँ। सर आदेश कर रहे हैं, मैं एक बार सारे लोग फिर मन से बजा दी आदेश। वाह स्वयं वाह। किस्मत में कोई रंग क्या धानी भी लिखा है, बस हर्फ ही लिखे हैं के मानी भी लिखा है। सूखी जुबान जिंदगी से पूछने लगी, सूखी जुबान जिंदगी से पूछने लगी, बस प्यास ही लिखी है के पानी भी लिखा है। मैं कुछ और पंक्तियां आपको सुनाता हूँ, कुछ और रंग की पंक्तियां सुनाता हूँ। यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं बैठी हैं, नारी शक्तियां बैठी हैं। एक आपसे बड़ा मासूम सा प्रश्न करता हूँ, बड़ी मासूम सी बात करता हूँ, सुनेगा। आपने बहुत सारी प्रेम कहानियां सुनी होंगी, हीर रांझा की प्रेम कहानी सुनी, लैला मजनू की प्रेम कहानी सुनी, श्री फरहाद की प्रेम कहानी सुनी। आप देखती हैं कि लैला के जीवन का कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन मजनू को सड़क पे पत्थर खाने पड़ते हैं। श्री फरियाद की स्थिति है कि श्री को कुछ नहीं होता और फरियाद की स्थिति भी वही है मजनू वाली। ऐसी एक प्रेम कहानी में सलीम अनारकली की आपको सुनाता हूँ, सुनेगा। कि सलीम को भारत राज की राजधानी मिलती है, एक ही काम करने पर दोनों को कितनी अलग अलग परिणति होती है, मैं चार चार पंक्तियां सुनाता हूँ। स्वागत है। प्रेम करने चली तो उसे भी वही जो महज थी कहानी सुना दी गई। प्रेम करने चली तो उसे भी वही जो महज थी कहानी सुना दी गई। नर्तकी एक अकबर के दरबार में,
नर्तकी एक अकबर के दरबार में कैसे दीवार में थी चुना दी गई। नर्तकी एक अकबर के दरबार में कैसे दीवार में थी चुना दी गई। कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री हो तो एक कानून एक अपराध के लिए किसी के लिए अलग अलग कानून नहीं होता, सभी समान होते हैं। लेकिन आप देखिए कि एक ही काम करने पर, प्रेम करने पर, आपस में दोनों की प्रणति कितनी अलग अलग है कि एक को राजधानी दिल्ली मिलती है, दिल्ली का सिंहासन आता है, और एक के हिस्से में दीवारों की कैद आती है। मैं चार पंक्ति और पढ़ता हूँ, सुनिए। एक अपराध में दोनों शामिल रहे, एक अपराध में दोनों शामिल रहे, दोनों शामिल रहे, किंतु चांदी की चम्मच रिहा हो गई। एक अपराध में दोनों शामिल रहे, किंतु चांदी की चम्मच रिहा हो गई। बाद में क्या हुआ ये पता है तुम्हें, बाद में क्या हुआ ये पता है तुम्हें, पांव के घुंघरुओं को सजा हो गई। बाद में क्या हुआ ये पता है तुम्हें, पांव के घुंघरुओं को सजा हो गई। मैं इंडिया में इंदौर में एक कार्यक्रम में ये पंक्तियां पढ़ के उतरा तो एक बुजुर्ग मेरे सामने आया और उन्होंने कहा कि तुम सलीम की मोहब्बत पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो। तो मैंने उनसे एक बात कही कि आप अगर किसी को प्रेम करते हैं और आपकी आंख के सामने उसे दीवारों की कैद दे दी जा रही और आपने अपने प्राण दांव पर नहीं लगाए तो मैं ऐसे प्रेम को नहीं मानता। मैं अंतिम चार पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिए। कीट रेशम ये दो है मगर एक थे, कीट रेशम ये दो है मगर एक थे, दूर रेशम से पर कीट रख दी गई। कीट रेशम ये दो है मगर एक थे, दूर रेशम से पर कीट रख दी गई। आपका इश्क कैसा सलीम आपके, आपका इश्क कैसा सलीम आपके, सामने आखिरी ईंट रख दी गई। आपका तालियां कम थी थोड़े, आपका इश्क कैसा सलीम आपके, सामने आखिरी ईंट रख दी गई। अब मैं एक गीत सुनाता हूँ, उसके बाद अपनी जगह लेता हूँ। भाई बहुत अच्छे, मेरा आप एक सेकंड, मेरा एक मन है, आप डूब के सुन रहे हैं, मुझे पता है कि आपके अंदर तक उतर रही है, लेकिन इसके मन में जितना भी संकोच रहा हो और इसकी माँ अम्मा देख रही हैं, पिता का साया इसके सिर पर नहीं है, केवल माँ के साथ रहता है, माँ देख रही हैं और इसकी दोनों बहनें जो जिन्होंने बड़े मन से इसे छोड़ के कहा कि ठीक है सर ले जाइए, उनको आपकी तालियों की गर्मी जरा लाइव में महसूस होनी चाहिए कि स्वयं ने पढ़ दिया। वाह, मैं एक गीत तक आपको सुना देना चाहता हूँ, सुनिएगा, और उसके बाद मैं अपना स्थान लूंगा क्योंकि आपकी तरह मैं भी उत्सुक हूँ कुमार सर तक ये महोत्सव पहुँच जाए, और वो जब इस मंच पर होंगे तो यहाँ पे जादू हो जाएगा, जिस जादू का हम वर्षों इंतजार करते हैं, परिश्रम करते हैं। आप सबने बहुत मेहनत करी और ये कार्यक्रम सफल होना ही चाहिए, सफल है, और जब डॉक्टर साहब यहाँ पर पढ़ेंगे, सर पढ़ेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर महोत्सव होगा। मैं एक गीत आपको सुना देना चाहता हूँ। आप जिस होटल में बैठे हैं, मैरियट, ये विश्व के सबसे सुंदर टॉप के होटल्स की सीरीज में आता है मैरियट। यहाँ पर अगर आपको बंद कर दिया जाए, 10-15 दिन के लिए छोड़ दिया जाए, तो आपको लगेगा एक छोटा मोटा स्वर्ग है ये। हम जैसे लोग जो गांव से आ जाते हैं वो अकबकाए हुए थोड़े से रहते हैं, लेकिन हमारे लिए जो सुंदरता
ऐसा नहीं है कि इतनी बड़ी बिल्डिंग नहीं होगी, स्विमिंग पूल नहीं होंगे, तो ऐसा नहीं कि हमारी दृष्टि सुंदर चीजें नहीं देखती। मैं आपको एक ऐसी सुंदरता दिखाता हूँ, सुनिएगा। आप एक कल्पना करिए कि आप एक चांदनी रात में खुले आसमान के नीचे हैं, एक झील के किनारे हैं, और उस झील में एक नाव है, नाव पे दो प्रेम करने वाले लोग बैठे हुए हैं, और वो दोनों आपस में जो बातचीत करते हैं, वो बातचीत मैं आपको सुनाता हूँ, सुनिए। बस इतनी सी कल्पना करिए कि चांदनी रात है, झील पे नाव है, नाव पे दो प्रेम करने वाले लोग और उनकी आपस की बातचीत। पहली जो बात लड़का कहता है वो मैं सुनाता हूँ, स्वागत है, वहां निकले तो निकलने दीजिए। चांदनी है रात, हम दोनों साथ साथ, किंतु चुप यूं रहोगी तो ये रात उब जाएगी। चांदनी है रात, हम दोनों साथ साथ, किंतु चुप यूं रहोगी तो ये रात उब जाएगी। झील पे है नाव और नाव पे है ठाव गांव, झील पे है नाव और नाव पे है ठाव गांव, शर्तिया ये बात बढ़ महबूब जाएगी। झील पार नाव, नाव पे है ठाव गांव, शर्तिया ये बात बढ़ महबूब जाएगी। झील पार बाहर की दुनिया सुनेगी यदि, अब लड़की का जवाब सुनिए। झील पार बाहर की दुनिया सुनेगी यदि, हम दोनों की हंसी उड़ाई खूब जाएगी। और देखो मेरी बात सुनो, ऐसे ना सताओ हमें, देखो मेरी बात सुनो, ऐसे ना सताओ हमें, छोड़ो ये कलाई देखो नाव डूब जाएगी। देखो मेरी बात सुनो, ऐसे ना सताओ हमें, छोड़ो ये कलाई देखो नाव डूब जाएगी। लेकिन ना कोई कलाई छोड़ता है और ना वे नावें बचा करती हैं जिन पे ये स्थितियां क्रिएट हो जाती हैं, तो वो नाव भी अंततः डूब गई। लेकिन गीत यहां से शुरू होता है कि जब नाव पार होती है, अगला दिन सुबह आती है, तो उस लड़की के मन में संकोच है कि कल किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया था, तो ऐसा नहीं कि नदी के किनारे किसी ने मेरे कंगनों की खनखनाहट सुन ली हो। उस संकोच का एक गीत मैं आपके समक्ष रखता हूँ। स्वागत है बेटा, स्वागत है बेटा, पढ़िए। रात कल कंगन खनकने की वजह से, रात कल कंगन खनकने की वजह से, नववधु नजरें बचा कर चल रही है। रात कल कंगन खनकने की वजह से, नववधु नजरें बचा कर चल रही थी। कोयले का आंच से परिचय हुआ था, कोयले का आंच से परिचय हुआ था, देह सारी तम तमा कर जल रही थी। रात कल कंगन खनकने की वजह से, पहला बंद सुनिए भाई, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो बेटा। देह पर लिखी हुई थी छेड़खानी और शरार, देह पर लिखी हुई थी छेड़खानी और शरारत, और उलझे केश चुगली कर रहे थे मौन होकर, और उलझे केश चुगली कर रहे थे मौन होकर। भाल से भटकी हुई बिंदी गवाही दे रही थी, भाल से भटकी हुई बिंदी गवाही दे रही थी, मूक सहमति दी पलक ने लाज के पर्दे गिरा कर, एक झिझक ने लांग ली दहलीज कल फिर, एक झिझक ने लांग ली दहलीज कल फिर, आंख में फिर आस मीठी पल रही है। रात कल कंगन खनकने की वजह से, नववधु नजरें बचा कर चल रही। गीत का दूसरा बंद पढ़ता हूँ, सुनेगा। रात कल कंगन खनकने की वजह से, मौन बिल्कुल मौन हो चुपचाप सिरहाने खड़ा था, मौन बिल्कुल मौन हो चुपचाप सिरहाने खड़ा था, शब्द बनकर आरती स्वर
कान में रस घोलते थे, शब्द बन कर आरती स्वर कान में रस घोलते थे। वह अधर ऐसे सटे दू जे अधर से क्या बताएं, वह अधर ऐसे सटे दू जे अधर से क्या बताएं, जो अधर एक दूसरे से अब तलक ना बोलते थे। रात की रंगत गुलाबी हो गई कल, आप जानते हैं कि रात या तो अमावस्या की होगी काली होगी या तो चांदनी होगी, लेकिन गुलाबी होने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। लेकिन ये भी उतना ही सच है कि प्रेम के पल जब व्यक्ति जी रहा होता है तो उसे पूरी दुनिया ही गुलाबी लगती है, तब रात के तो क्या ही कहना। रात की रंगत गुलाबी हो गई कल, रात की रंगत गुलाबी हो गई कल, चांदनी सिंदूर सा कुछ मल रही थी रात कल, कंगन खनकने की वजह से। बहुत बहुत भाई, बहुत अच्छे, वाह। एक बार दोनों हाथ उठाकर स्वयं के लिए जोरदार तालियां, वाह। जीते रहिए, वाह वाह बेटा वाह, जीते रहिए। आज 12 अगस्त 2021 आप लिख के ले लीजिए, 22। ये कविता ने मेरे कान में कहा, जब ये पढ़ रहा था तब मेरे कान में कहा, और इधर से रमेश ने भी यही बात कही, ये लड़का अपने जीवन में इस लाइन तिथि को आज को लिख ले, इस 12 अगस्त 22 को। आज तक जो इसने 7 साल पढ़ा और इसका जो कैरियर रहा, जब ये वीडियो भारत में पहुंचने वाला है, घर घर में, आने वाले कल में हिंदुस्तान में कवि सम्मेलनों में गीत का एक स्टार पैदा हो रहा है जिसका नाम स्वयं श्रीवास्तव। लखनऊ और उन्नाव के उस पूरे इलाके से एक बड़ा खालीपन गीत में आ गया था, जो कि मेरा एक बहुत अजीज दोस्त, मेरा जिगरी यार, जिसके साथ मैंने कवि सम्मेलन शुरू किए थे, जो बहुत मीठा गाता था और मुझसे अच्छा लिखता था। मैं सदा कहता था कि अगर मुझे किसी से डर है तो इसी आदमी से है, ये ऐसा अच्छा गीत लिखता है कि हर रात मुझे कुंठित करता है, और मैं रोज रात नया गीत लिख के ले जाता था और वो नया गीत लिख के लाता था और फिर कहता था मुझसे सुनाना आज तू, मैं सुनाऊंगा। उसका नाम था देवल आशीष। वो आज से एक दशक पहले कम आयु में पृथ्वी उसने छोड़ दी। मैं जब भी लखनऊ जाता था उस पूरे इलाके में मैं लोगों को सुनता था, मुझे लगता था ये देवल का शहर है, यहाँ ऐसी कविताएं पढ़ी जा रही हैं। लेकिन मैंने इसको स्वयं को पहली बार बुलाया और हम एक कार्यक्रम करते हैं अपने स्टूडियो में युवाज, जहाँ नए लड़के लड़कियों को अवसर देते हैं, वहां मैंने पहली बार इसे सुना और मैंने उसी दिन कहा कि समय आएगा, बीच में कोरोना आ गया और ये काम जो संकल्प में था मेरे कि कभी मैं इसे एक अच्छे मंच पर प्रस्तुत करूंगा और अच्छे से लोग सुनेंगे, उसको तो मैं आशीर्वाद देता ही हूं। मैं अपने कवि कुल की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस अनगढ़ हीरे को पहचाना।